हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हो चैनल B1। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा और ये जानना सबके लिए बिल्कुल ज़रूरी भी है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से शेष तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड डिवाइस है, वो अगर खो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए और इधर उधर का भूल के अगर आप रख देते हो तो उसको कैसे पता लगा सकते हो आपके फ़ोन कहाँ है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल रियल है और मैंने खुद भी इसको यूज़ करके देखा है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है और इसके लिए आपके पास सिर्फ होना चाहिए आपको फ़ोन से जुड़ी हुई ईमेल आईडी और उसी ईमेल आईडी के जुड़ी हुई पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको अब बता देता हूँ इसके जरिए आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके फ़ोन चोरी हो जाए, गुम हो जाए तो आपके फ़ोन के जो लोकेशन है वो आपने घर बैठे बैठे खुद जान सकते हो, देख सकते हो कहाँ पर आपके फ़ोन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके फ़ोन का जो रिंगटोन है, अगर आपने घर बैठे बैठे एक स्विच को दबा दिया है, टच किया है, तो आपकी फ़ोन जहाँ हो, जिधर हो, उसके जो मैक्सिमम वॉल्यूम तक उसका जो रिंगटोन है बाजने शुरू हो जाएगा। अगर उसको उस फ़ोन का साइलेंट किया हुआ है तो भी वो बाजेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके फ़ोन को घर बैठे बैठे लॉक कर सकते हो और वो लॉक जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर में आप मैसेज भी छोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन ये है कि आपने अगर आपको फ़ोन की पाने को जो उम्मीद है छोड़ दिया है, फ़ोन को वापस पाने को कोई उम्मीद नहीं है और आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में जो डेटा है वो हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, पूरा का पूरा इरेस कर दिया जाए, तो आप घर बैठे बैठे उसको आपके फ़ोन के जो मेमोरी है, फ़ोन की जो डेटा है, पूरा का पूरा इरेस कर सकते हो। तो दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है, आपके फ़ोन की इरेस करने के बाद आप भी उसको वापस पा नहीं सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको टाइप करना होगा गूगल में जाके फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, फाइंड माई डिवाइस टाइप करने के बाद ऊपर में जो ऑप्शन है टैप करना होगा तो इस ऑप्शन खुल जाएगा और आपको ईमेल आईडी भरना होगा। ईमेल आईडी भरने के बाद उसको पासवर्ड भरना होगा, फिर ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से, आपको खोया हुआ फ़ोन चोरी हो गया तो आपको फ़ोन तो वो भी आसानी से ढूंढ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने अगर ये देखना चाहते हो, आप अगर कर सकते हो तो कर लीजिए, आप ट्राई करके देख सकते हो ये। ठीक है, और कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, मैंने मेरे फ़ोन के अंदर खुद करके भी दिखा है। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो मैंने पहले बनाया था, वो अगर आपने देखना चाहते हो तो ऊपर में दिए हुए आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।